मसीह बोलेंगे उद्घाटन करें माही तुम देखना ये जाएंगे। मैं माननीय आज के मुख्य अतिथि माननीय पुलिस कमिश्नर सज्जनों, हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय पुलिस कमिश्नर सर आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं मंच पर और हमारे डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज। तो आइए, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे टू काइंडली एस्कॉर्ट आर वेरी 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 नोन एंड रेनाउंड द वन एंड ओनली पुलिस कमिश्नर श्री धर्मवीर सिंह जी। आपका तहे दिल से स्वागत है मंच पर और हमारे डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज, हमारे बहुत ही खास मेहमान जो यहाँ पर आए हैं फॉर द अनवीलिंग ऑफ द बुक, आप सबका भी तहे दिल से मंच पर स्वागत है। किताब की अनवीलिंग सर, प्लीज। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। मीडिया वाले उठो, ये लोग मत के कवर हो गए आप सब लोग, दिखाई नहीं दे रहे। ओके अभी ना अभी एक काम करिए। फोटो साइलेंस। सर सर हम लोग क्या करें सर, आप वहीं पे जहाँ पे थे वहीं आए और वहाँ से वापस लौट के आएंगे। और ना मेरे को ये पिक्चर में शॉट चाहिए, स्टिल चाहिए कि पुलिस कमिश्नर और कृष्णा ये दोनों साथ में टू शॉट चाहिए। ये कोई खींच रहे है अपना रमाकांत जी? जी ये ले लो एक शॉट। हाँ, अच्छा, ठीक है। पहले यही थे हम लोग, नहीं आगे जाइए। वेरी गुड, अभी वापस लौट के आओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ। बाग वाले जी कट। ओके, लेकिन एक चीज हो सकती थी कि जब ये बोले क्या उन सब के लिए मेरे उपन्यास और उनको बनने वाली फिल्में जिम्मेदार है, बस इतना। क्या उसपे क्या उन सब के लिए मेरे उपन्यास और उनको बनने वाली फिल्में जिम्मेदार है? करेक्ट सर, आप ये लाइन दे देना। कौन सी वाली? यही वाली। क्या क्या? अच्छा ठीक है, मैं देता रहूंगा जहाँ मुझे लगेगा, क्योंकि कट तो लग जाएगा। कोई बात नहीं, आप मुझे मैं वहां तक लूंगा। हाँ, उसके बाद का अभी आप सब मेरी जो लेटेस्ट नॉवल है रेड, इसकी रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में सेक्स से रिलेटेड न जाने कितने क्राइम हो रहे होंगे, कितना खून खराबा हो रहा होगा। तो क्या इसका जिम्मेदार मेरे उपन्यास और उससे बनने वाली फिल्में? नहीं, हरगिज नहीं। कट। वेरी गुड, नहीं हरगिज नहीं हरगिज नहीं। साहित्य और सिनेमा समाज के निर्माता नहीं, समाज का आईना है। कट। ओके, अब सिमरन बोलना चालू करेगी। उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यास से लाखों की संख्या, जिनके उपन्यास। चलो वो कट लगा लेंगे, यहाँ तक बोल दीजिए। चलिए बोलते हुए एंटर कीजिए। ओके, टेक इन साउंड, साइलेंस, रेडी। हाँ रेडी। थोड़ा कृष्ण
साहित्य और सिनेमा समाज के निर्माता नहीं, समाज का आईना है। हम सब जानते हैं कि राजवीर सिन्हा जी जो केवल राजवीर के नाम से लिखते हैं और उनकी लेटेस्ट नॉवेल रेड आज अनवील हो रही है। हमारे देश के बड़े लोकप्रिय युवा उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यास लाखों की संख्या में बिकते हैं और उन पर बनी फिल्में करोड़ों दर्शक देखते हैं। हमें बेहद खुशी हो रही है देवियों सज्जनों आप सब से ये बताते हुए कि ऑलरेडी हमारे लेटेस्ट नॉवेल रेड की 1 मिलियन से भी ज्यादा यानी 10 लाख से भी ज्यादा कॉपीज Amazon पर अनवील होने से पहले ही बुक हो चुकी हैं और हमारे बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस कर्मा प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को इस किताब को फिल्म बनाने के लिए ऑलरेडी 5 करोड़ के राइट्स ले लिए हैं। सो बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी टू कर्मा प्रोडक्शंस एंड टू वन एंड ओनली राजवीर सिन्हा जी। करें खुलिए Yes, absolutely. Flashes. So excited. माही निकल के जा, पवार साहब आप भी, और पहले आप भी निकलिए पवार साहब। हाँ बागवारे जी साहब। ओके ये 3 लोग रह गए। कैडेट ओके परफेक्ट परफेक्ट। कांग्रेचुलेशंस टू यू राजवीर जी, सो एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड अबाउट दिस वन। तो आइए अब हमारे मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर धर्मवीर सिंह जी आपसे गुजारिश करती हूँ, निवेदन करती हूँ दो शब्द। Thank you, Simran. Thank you. I am extremely honored कि आज मुझे राजवीर के नॉवल रेड के लॉन्च पर आमंत्रित किया गया। मैं समझता हूँ राजवीर उन अनमोल हीरो में से एक ऐसा हीरा है जिस पर पूरे समाज को नाज़ है, हम सब को नाज़ है। और राजवीर की किताबों के माध्यम से जो इनमें अनलिमिटेड टैलेंट है, ना ही सिर्फ वो हमारा मनोरंजन करते हैं बल्कि हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। देखिए मैं अभी राजवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ और राजवीर ने मीडिया के पूछे हुए सवालों का बड़ा सटीक जवाब, बहुत सटीक, बहुत सराहनीय, और वो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। अब जब एक्शन बोलो तब मैं बोलूँ ना। हाँ, मेरा नाम है शंतनु भमरे, मैं रेड हिंदी फीचर फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ और मैं इसमें जलर का भी रोल अदा कर रहा हूँ अगेंस्ट फेमस कमलेश सावंत जी। आज जो शूटिंग चल रहा है इसमें राजवीर सिन्हा उनका रेड का नॉवेल का उद्घाटन हुआ है जिसके लिए पुलिस कमिश्नर धर्मेंद्र सिंह आए थे। और ये आप देखोगे पिक्चर एकदम सस्पेंस और थ्रिलर है, हम उसको जल्दी दिवाली में रिलीज करने जा रहे हैं। जैसा कृष्णा जी ने बोला है कि उनके जो नॉवेल्स है वो नॉवेल्स देख के लोग मोटिवेट होते हैं। कोई लोगों का ये समझता कि उनका जो नॉवेल है वो देख के सेक्स और वायलेंस का बढ़ावा मिलता है सोसाइटी में, वैसी बात नहीं है, वो गलत बात है। उनका नॉवेल पढ़ के लोगों को शिक्षा ही मिलती है और उनको डायरेक्शन मिलता है कि उन्होंने क्या करना है। कृष्णा अभिषेक जी एज एन एक्टर कैसे हैं? आप अभी तक आपने कृष्णा अभिषेक जी को कपिल शर्मा के शो में कॉमेडी में देखा होगा, बट इधर आप देख रहे हो उनका एकदम रोल सीरियस और सस्पेंस रोल है। तो ऑडियंस जब ये रेड देखेगी तो शॉक हो जाएगी कि कृष्णा ऐसे भी रोल कर सकते हैं। कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं रेड में, मतलब हमारा जो कैरेक्टर है बहुत अलग कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ। मतलब काफ़ी जब हम सीन्स करते हैं डायलॉग्स करते हैं तो चलो ये नॉर्मल सीन आज जो हम लोग शूट कर रहे हैं, मैं राइटर हूँ फिल्म में,
मेरी नॉवल का लॉन्च है जिसको हम लोग आज शूट कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर के ना बहुत सारे शेड्स हैं और मैक्सिमम स्किज़ोफ्रेनिक तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ग्रे शेड ज़्यादा है इस कैरेक्टर में, तो इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज था प्ले करना, क्योंकि मैंने कभी इस तरीके का कोई कैरेक्टर प्ले किया नहीं है। हम लोग कॉमेडी करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, या कोई नॉर्मल सीन कर दिया या कुछ कर दिया, लेकिन इस फिल्म का जब भी मैं शूटिंग पर आता हूँ तो सीन्स जो हैं वो एक रात पहले देखने पड़ते हैं कि हमको नेक्स्ट डे जाके क्या करना है और कैसे करना है, तो थोड़ा सा वो टफ हो जाता है, लेकिन हमने कोप अप करके अपनी तरफ से बेस्ट किया है। सर, आपको अभी तक हम कपिल शर्मा शो में सपना देखते आए हैं और काफ़ी लोग ने एंजॉय किया आपके उस रोल को, सर आपको लगता है आपके फैन जो है काफ़ी अचंभित होने वाले हैं आपके इस रोल को देखकर? डेफिनेटली, आप इसका टीज़र ही देखेंगे ना फिल्म का, अशोक त्यागी जी ने डायरेक्ट की पिक्चर, उनको भी मैं बहुत सालों से जानता हूँ, वो मुझे मेरे टीन एज से जानते हैं, तो अशोक जी को कॉन्फिडेंस था। मैंने अशोक जी को पूछा कि ये आपने जो ये जो रोल ऑफर किया है ये मतलब आपको ऐसा लगता है कि चलो मैं एज एन एक्टर अपनी तरफ से कोशिश करूँगा बेस्ट करने की, लेकिन आपको लगता है आप कर पाए मैं कर पाऊँगा? तो अशोक जी को बहुत कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार ये कृष्णा तू कर लेगा। और जहाँ तक लोग मुझे देखते आए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट होगा जब आप इस पिक्चर का टीज़र देखेंगे, तो टीज़र से ही आप समझ जाएंगे कि बहुत अलग तरीके की फिल्म है और मेरा जो रोल है वो बहुत अलग तरीके का। पायल घोष के साथ आपकी फिल्म ये फिल्म कर रहे हैं, कैसी केमिस्ट्री है आपकी? पायल के साथ भी बहुत अच्छा लगा काम करके, पायल भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वो भी अपने सीन्स में बड़ा मेहनत से पायल ने किया, और सबसे ज़्यादा मैं कैप्टन ऑफ द शिप अशोक त्यागी जी को पूरा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत पिक्चर जो है ना बोलते हैं डायरेक्टर के ना जहन में होनी चाहिए, अंदर है उनके, उनके ब्लड में है, तो उनको सारे डायलॉग पता होते हैं, हमारी जितनी लाइनें वो अशोक जी माइक पे हमारी लाइनें भी हमें सुनाते रहते हैं, पढ़ते भी नहीं वो ज़्यादा, तो डायरेक्टर सही जा रहा है ना तो पिक्चर बहुत सही जाएगी, बिकॉज दिस इज़ अ डायरेक्टर सिनेमा, ये वाले इसके जो शॉर्ट टेकिंग्स हैं, इसके जो सीन्स को जो डायरेक्ट करने का अलग तरीका चाहिए, वो अशोक जी आई थिंक इज़ डूइंग वेरी फाइन। अशोक जी पुराने ज़रूर हैं लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ा चल रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग। कृष्णा, कह सकते हैं कि आप वन टेक एक्टर हैं, हमने देखा कि जितने भी सीन्स आपने दिए उसमें एकदम परफेक्शन था आपकी तरफ से, थोड़ा सा अगर बताएं उस बारे में? वो तो पता नहीं, वो तो आप लोग डिसाइड करते हैं वन टेक या कौन सा टेक, लेकिन मैं अपना हमेशा होमवर्क करके आता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि सेट पे आके अपनी लाइनें याद कर रहा हूँ या सेट पे आके मैं देख रहा हूँ बताओ क्या करना है और फिर जाके कर दिए, तो अशोक जी के साथ एक बार डिस्कस होता है, अशोक जी मुझे व्हाट्सएप पे सारे डायलॉग जो हैं भेज देते हैं और फिर मुझे बताते हैं कि मुझे ये ऐसे चाहिए, थोड़ा ये ऐसे करना है, तो होमवर्क हमारा अच्छा रहता है, इसलिए आई थिंक वन टेक कर लेते हैं हम। कृष्णा, अब आगे क्या होने वाला है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? अभी तो हमारा फिनाले हो गया हमारा कपिल शर्मा शो का, लास्ट एपिसोड किया हमने जुग जुग जियो, अनिल कपूर सर आए थे और वरुण और सब लोग आए थे, तो उनके साथ हमने अभी हमारा फिनाले किया है, हम लोग अभी जा रहे हैं टूर पे, जैसे कि हम लोग शो में भी बोलते रहते हैं कि अर्चना जी को नहीं ले जा रहे हम ही लोग जा रहे हैं, तो अभी हम लोग US कनाडा टूर पे निकल जाएंगे 10 दिन में, और फिर आने के बाद फिर रेड कंप्लीट हो जाएगी, हम रेड को डेट देके इसको फिल्म को कंप्लीट कर देंगे। और जैसे फिनाले हुआ तो कितने इमोशनल हुए, क्योंकि अब जो है? नहीं नहीं, इमोशनल भी हुए और हम खुश भी थे क्योंकि हम लोग बैक टू बैक शूट कर रहे थे, बैक टू बैक अभी हम लोगों ने जितनी फिल्में आई, रनवे आई, जयेश भाई और रणवीर आए थे, सब लोग आए थे, तो हम लोग बैक टू बैक बहुत शूट कर रहे थे, बिकॉज हमको बैंक बनाना था, हमको जाना भी था US, तो हम लोग इमोशनल तो चलो खुशी थी और एक इमोशन तो होता ही है डेफिनेटली, बिकॉज स्टेज इतने सालों से हम लोग सब साथ में, कॉमेडी सर्कस से हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं, तो इमोशनल मोमेंट भी था, लेकिन हम लोग अभी साथ ही में है ना सब लोग, तो इतना कोई ऐसा कोई इमोशनल नहीं हुआ कि हम 4 महीना एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, बल्कि हफ्ते भर बाद सब फ्लाइट में सब साथ ही में होंगे, कपिल मैं और कीकू भाई, चंदन, राजीव, सब लोग, शुमोना, हम सभी लोग जा रहे हैं, तो सब लोग एक्साइटेड बहुत हैं एक्चुअली बाहर जाने के लिए, क्योंकि लाइव शोज़ पेंडेमिक की वजह से लाइव शोज़ हो नहीं रहे थे,
हमने लाइव इतनी ऑडियंस देखी नहीं इतने सालों में, अब जाके थोड़ा खुला है। लास्ट मैंने आईटी अवार्ड्स होस्ट किया था ऋत्विक के साथ में, तो वो उसमें मुझे ऑडियंस देखने मिली, हमारे शो पे ऑडियंस आ गई। अब हम पहली बार जो है एब्रॉड लाइव ऑडियंस देखेंगे कनाडा और यूएस की, जो हमारे शोज़ को एंजॉय करते हैं, तो उसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, आज जो सीन हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। ऑथर तो है ही, बुक का लॉन्च किया आप लोगों ने, थोड़ा सा अगर सीन के बारे में बताइए। ये पिक्चर की शुरुआत है, मेरा इंट्रोडक्शन है जहाँ पर ये बुक लॉन्च है, और यहाँ से जो है कहानी जो है आगे बढ़ती है, और कैसे राजवीर के जो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ उसके अलग अलग आपको शेड्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ग्रे शेड ज़्यादा है, तो इसीलिए वो मेरे लिए बहुत नया कुछ होगा करने के लिए। तो आज जो है मतलब हम फिल्म कई दिन शूट कर चुके हैं, लेकिन आज फिल्म की ओपनिंग हमने शूट की है जो कि बुक लॉन्च से है। फिल्म का नाम भी रेड है और किताब का नाम भी रेड है जो लॉन्च हो रही है, और फिर यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक कैरेक्टर क्या क्या चीज़ें करता है और क्या क्या फिल्म में करने वाला है आगे चल के। थैंक यू। ये शूटिंग हमारी हो रही है फिल्म रेड की। रेड फिल्म है हमारी, अवंती प्रजक्ता आर्ट्स में बन रही है। आज जो शूट कर रहे हैं हम, जो सीन, वो है रेड नाम से एक बुक है, नॉवल, जो हमारे हीरो कृष्णा अभिषेक ने लिखी है। उसका नाम हमारी फिल्म में है राजवीर, जो राइटर है, और वो बुक का इनॉग्रेशन हो रहा है, और इनॉग्रेशन किया है हमारे कमिश्नर साहब ने जो फिल्म में है, मुकेश त्यागी जी, इन्होंने आकर उसका विमोचन किया है। हमारी एंकर है सिमरन, जो फिल्म में भी एंकर का रोल कर रही है, शी हैज़ लॉन्च्ड दिस। ये इवेंट है एक्चुअली फिल्म के अंदर, जिसमें हमारी इस फिल्म रेड के नाम से ही बुक बनी है, रेड जो लिखी गई है, जिससे हमने प्रेरित होकर इस फिल्म को बनाया है। तो ये सीन हो रहा है आज, और इस फिल्म में हीरो है कृष्णा अभिषेक, पायल घोष हीरोइन है, शक्ति कपूर जी हैं, कमलेश सावंत जी हैं, मुकेश त्यागी जी हैं, अभिजीत श्वेतचंद्रा हैं जो मराठी थिएटर के हैं और मराठी फिल्मों में भी बहुत पॉपुलर है, कंचन भोर है हीरोइन हमारी एक, और बाकी अन्य बहुत से कलाकार हैं। अशोक त्यागी जी ने ये फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट कर रहे हैं, and we are enjoying this scene. I would like to request Mukesh ji to say how is your experience working with Ashok ji and how is your experience working with Ashok ji. Main samajhta hu ki I am very very proud of the fact, main bahut gaurvanvit mehsoos kar raha hu sir. Ashok Tyagi ji jo mujhe lagta hai film industry ke ek stambh hai, institution hai, unke direction mein main kaam kar raha hu, aur meri mother ka ek sapna tha ki tum IPS mein qualify karo. मुझे लगता है फिल्म के माध्यम से मुझे वो मौका मिल गया है जिसके लिए बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है शूटिंग में, और जो मेरा किरदार है वो एक बहुत ही एक सेंसिटिव पुलिस कमिश्नर का है, जो सच्चे काम के लिए हमेशा आगे प्रोत्साहित करता है। इस पिक्चर के अंदर बड़ी पेचीदगी है, बहुत क्यूरियोसिटी है, रहस्य है, और जब आप फिल्म को देखेंगे तो मैं समझूंगा कि आप कृष्णा अभिषेक के जो किरदार को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वही किरदार है क्या जिसको हम हंसते हंसाते कॉमेडियन के रूप में देखते हैं। मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया किरदार उन्होंने दिया है, और जो आज का शूट था वो इतने बड़े हॉल में पेनिनसुला होटल के अंदर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और सिमरन जो कि वर्ल्ड रेनाउंड एंकर है उन्होंने मेरे साथ एंकरिंग की, और my brother who has supported me for this film. I'm very thankful to the production sir ki mujhe ye mauka aap logon ne diya, and I'm waiting to see this film. aur main samajhta hu ki ye jo dress hai iska jo abhiman mere andar aaya hai wo mere kirdaar mein bhi shayad pratibimbit hua hai. mukesh ji aapne yahan baat ki hanuman chalisa aur doctor ki, to ye palsit scene tha ya dialogue the ya अभी इम्प्रूव किए? देखिए कंटेम्प्रेरी फिल्म होती है ये, बहुत कंटेम्प्रेरी फिल्म है, इसके अंदर जो अशोक त्यागी जी ने और पूरी क्रिएटिव टीम ने मिलकर के जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनको उठाया। अभी देखिए विवाद चल रहा है हनुमान चालीसा और अजान को लेकर के, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा एक इनका योगदान है राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कि ये विवाद को कैसे सुलझाया जाए, पुलिस पे कितनी जिम्मेदारियां रहती हैं, बोलते बोलते भी उनके मुख्यमंत्री का आदेश आया कि आप आइए और इसको सुलझाइए। तो ये जो ज्वलंतशील विषयों के ऊपर मुझे लगता है कहानी लिखी गई, ये बहुत ही समयानुकूल है, कंटेम्प्रेरी है एंड वेरी मीनिंगफुल। तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट उठाया है, बहुत पॉइंटर है। बाकी तो अब आप दर्शक सोचेंगे क्या इसका होता है क्या नहीं होता है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट थॉट। थैंक यू।
जी, और सबसे पहले तो मैं राजीव चौधरी जी की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे खूबसूरत सा मौका मिला आज, और अशोक त्यागी सर कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो एक साल पहले हमने अनवील किया था रेड, इनॉग्रेशन था, शुरुआत थी, जो उद्घाटन हम करते हैं, शुभ मुहूर्त करते हैं, और आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उस खूबसूरत से कार्य के लिए भी थी। एंड राजीव जी ने मुझे तब से कहा था, तो एक साल से मुझे इंतज़ार था कि मेरा शॉट कब आएगा और मैं कब शूट कर रही हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू राजीव जी, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड, क्योंकि मेरी पहली एंड द ओनली वेब सीरीज़, जो फिनोमिनल वेब सीरीज़ में जो मुझे रोल दिया था विद मुग्धा गौडसे, जिसमें मैं एडिटर थी ऑफ द मैगजीन, वॉज ऑल्सो गिवन टू मी आप ही से, राजीव जी की आवाज़ का एंड अरे क्या डेप्थ है उसमें, क्या डेप्थ है उसमें। आई लव्ड योर डायलॉग डिलीवरी, आपने जो हिंदी जिस तरह बोली, ही इज प्लेइंग अ फैंटास्टिक रोल एज अ कमिश्नर, दिस इज अ यूनिक फिल्म, बहुत यूनिक फिल्म है। फिल्म एक थ्रिलर है और ये स्टोरी मैंने कहानी कभी नहीं सुनी है, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा बहुत कहानी के बारे में, तो ये बहुत ही यूनिक फिल्म है। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि उन्होंने कहा, द मेन स्टार कास्ट, कृष्णा, अभिषेक जी, पायल घोष जी, जिस तरह से जिस किरदार में नज़र आएंगे वो कभी किसी ने शायद सपने में भी ना सोचा होगा, एटलीस्ट मैंने तो नहीं सोचा था। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड फॉर दिस फिल्म। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि 6 दिन पहले जब अशोक त्यागी जी आए थे अपना अवार्ड लेने, हमारे ऑनरेबल गवर्नर थे ऑफ केरला और इंद्रेश कुमार जी थे और प्रकाश गुजरानी जी का इवेंट था और मैं होस्ट कर रही थी, तो वो स्टेज पे आ रहे थे अपना अवार्ड लेने, लेकिन कह रहे हैं सिमरन 21 तारीख हमने प्लान किया। मैंने कहा सर मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं अबू धाबी में हूँ, ये हम अवार्ड में स्टेज पर बात करें, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी और मैं इतनी खुश हूँ आज मुझे ये मौका मिला आपके फिल्म में होने का, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ रेड फिल्म, दैट्स रियली ड्रीम कम ट्रू। सो थैंक यू सो मच राजीव जी एंड अशोक जी एंड मुकेश जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ, आपके साथ लाइव शोज। हमारा ये प्लान है कि अभी 3 से 4 दिन की शूटिंग और बची है और इसके बाद फिल्म कम्प्लीट हो जाएगी, शायद हम एक गाना और ऐड करेंगे तो उसके लिए अनदर 5-6 दिन लगेंगे, बट वी आर प्लानिंग टू रिलीज इट इन दिवाली 2022। होपफुली एवरीथिंग इज गोइंग वेल। और इस फिल्म के जो हाईलाइट्स मुझे लग रहे हैं वो हैं डायलॉग, स्क्रीन प्ले एंड द एंटायर चेंज ओवर ऑफ कृष्णा अभिषेक। ही इज डिफरेंट, ही इज नॉट कृष्णा अभिषेक दैट वी सी, ही इज आउटस्टैंडिंग। सो लेट्स वेट एंड वॉच दिस दिवाली, वी विल डेफिनेटली एंजॉय वॉचिंग रेड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सीन के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस है सारे एक्टर्स के साथ काम करने का? अरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और हमारा जो फिल्म है इसका जो नायक है वो हमने दिखाया है कि वो एक नॉवलिस्ट है, उसको समझ लो जैसे चेतन भगत है, वो नॉवल लिखता है, पर चेतन भगत का भी वो हाई वोल्टेज वर्जन है पिक्चर के लिए, तो उसका जो नॉवल है लेटेस्ट वो रिलीज हो रहा है, तो हमने ये दृश्य लिया है कि कृष्णाभिषेक एक बहुत लोकप्रिय नॉवलिस्ट हैं और उनके नॉवल्स के ऊपर फिल्में बनती हैं, बहुत सक्सेसफुल आदमी है, कामयाब आदमी है, और लड़कियां उसकी दीवानी हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। ये सब चीज़ें हमको इस दृश्य में दिखानी थी और आपने देखा ये दृश्य शूट होते हुए, और उसकी पकड़ी पकड़ है समाज पे, पुलिस कमिश्नर से लेके और जो बड़े बड़े लोग हैं उसकी एक अच्छी पकड़ है, ये हमको दिखाना था, तो ये हिसाब से हमने ये सीन किया। आशा है ये आपको भी दिखाई दिया होगा। सर कृष्णा जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस कृष्णा जी के साथ। कृष्णा जी बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन अभी कॉमेडी के अंदर उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसमें उनकी टाइप कास्टिंग हो रही है। इस फिल्म के अंदर कोई कॉमेडी नहीं है, ये बहुत एक साइको थ्रिलर है और हॉरर सस्पेंस है, बहुत एंटरटेनिंग पिक्चर है, लेकिन कॉमेडी नहीं है, मतलब कृष्णा की तो कॉमेडी है ही नहीं, तो एक नए रूप में आप लोग कृष्णाभिषेक को इस पिक्चर के अंदर देखेंगे। सर फिल्म में दिखा सेक्स की बातें भी हो रही, जैसे मैंने देखा सेक्स है, क्राइम, ये एक नॉर्मल, ये मैंने देखा है, मुझे पिक्चरें बनाते हुए लगभग 40 साल होने को आ जाएंगे, मेरी पहली फिल्म 1985 में आई थी, मैं रिव्यूज भी पढ़ता हूँ, ये कॉमन मीडिया का एक इल्ज़ाम होता है फिल्मों की वजह से समाज में सेक्स और वायलेंस को बढ़ावा मिलता है, ये एक इल्ज़ाम मीडिया लगाती है। मैं उसका एक जवाब देना चाह रहा था, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर भी सेक्स और वायलेंस है,
तो ये दूसरा दृश्य है, तो ऑडियंस को और क्रिटिक्स को के साथ मेरा वार्तालाप हो रहा है। पिक्चर फिल्में समाज का आईना होती सर, तो भी देख के लोग सीखते भी करते भी है। वो तो बोले, वो तो पिक्चर बोल रही है, पिक्चर समाज का आईना होती है। वो तो हमारा नायक बोला, बोला नायक ने। आपको इस फिल्म की बातें बहुत अच्छी लगेंगी, सटीक लगेंगी, बहुत ईमानदारी से ऐसी बातें कही जा रही हैं जो हम लोग टैबू मान के चलते हैं, वर्जित है, यानी कि है तो सच लेकिन इसके बारे में हमको बात नहीं कर रही है। तो ये पिक्चर ऐसी बातों के बारे में बातें कर रही है जो है तो सत्य है लेकिन उसको हमने दमित करके सप्रेस करके रखा हुआ है। तो बहुत लिबरेटिंग पिक्चर है, बहुत एंटरटेनिंग पिक्चर है, बहुत एनलाइटनिंग पिक्चर है, बहुत एक्साइटिंग पिक्चर है, हर तरीके से पैसा वसूल एंटरटेनर है। कुछ संदेश वगैरह दे रही है सर कुछ फिल्म? कुछ संदेश मैसेज भी दे रही है लोगों को? क्या मैसेज है, कुछ संदेश वगैरह? सर मैसेज वैसेज सर हम बहुत छोटे लोग हैं, मैसेज महात्मा गांधी देते हैं, मैसेज बड़े बड़े लोग देते हैं, हमारा काम एंटरटेन करने का है। पहले होता था 70s वगैरह में था मैसेज, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, श्याम बेनेगल, ये सब मैसेज देते थे। मैसेज क्या होता है, नॉर्मली एक इंफॉर्मेशन होता है, कोई सामाजिक यथार्थ के बारे में कोई जानकारी होती है। आज जितना भी मैसेज है वो सारा इंटरनेट पे अवेलेबल है। हमारा जो ऑडियंस है ना उसको कोई मैसेज नहीं चाहिए, उसके पास रोज मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, इतना मैसेज इज फिल्ड विद मैसेजेस। वो पिक्चर में आज की तारीख में अगर उसको मैसेज चाहिए वो जाके इंटरनेट पे देखेगा, खंगालेगा, वहाँ जाएगा। उसको अगर दूसरे टाइप का एंटरटेनमेंट चाहिए OTT पे जाएगा, दूसरी चीज़ों पे जाएगा। सिनेमा पे अगर आएगा तो वो ये सोच के आएगा कि यार आई विल गेट फुल एंटरटेनमेंट, वो हमको देना पड़ेगा। कलाकारों का चयन कैसे हुआ सर? पायल घोष जी है, कृष्णा जी है, मुकेश जी है, ये एक्चुअली मैं कोई कास्टिंग डायरेक्टर तो रखता नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कास्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सटीक कास्टिंग है, कास्टिंग बहुत अप्रोप्रिएट है। कृष्णा की कास्टिंग बहुत अप्रोप्रिएट है, पायल घोष ने भी जो रोल किया है वो उसके अतिरिक्त कोई और अभिनेत्री नहीं कर सकती थी। हमारे पास में जो मुकेश जी ने काम किया है कि पूरे सिस्टम को, यानी कि हमको ये दिखाना है कि ये जो बंदा है, और वो बताने में मुझको कुछ जाएगा भी नहीं, ये जो लेखक है ये एक्चुअली बहुत बड़ा अपराधी है, अपराधी नहीं है ये किलर है, ये साइकिक केस है, किसी को नहीं पता दुनिया में। तो इसका इतने सिस्टम के साथ में कि इतनी पकड़ है, इसका इतना कॉन्फिडेंस है, लॉ का स्टूडेंट वो है, लॉ को कैसे डॉज किया जाए, एविडेंस को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, ये सब बातें उसको पता है। ऊपर से वो पुलिस कमिश्नर का भी सगा चाहता है, अब समझो उसकी पावर कितनी है। तो वो अभिव्यक्त करने के लिए मेरे को एक पात्र चाहिए था और वो मुकेश जी कर रहे हैं, आधा काम अभी इन्होंने किया, आधा इनका शाम को सीन है जो कहानी से प्री क्लाइमेक्स में है। यानी कि ये क्या तबाग है कि ये नंबर दो सीन में है और लास्ट से पहले जो दूसरा नंबर है उसमें भी है, वो सिमेट्री के लिए आपकी प्रेजेंस है। जी सर, चलिए, थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू।